डिफेंस मिनिस्ट्री को देखिए, वहां पे अग्निवीर लागू कर दिया। पहले क्या होता था, पहले सेना में भर्ती होती थी, ठीक है, लोग युवा सुबह उठते थे, रनिंग करते थे, वर्जिश करते थे, अंदर जाते थे, सेना उनको गारंटी देती थी, कहती थी देखिए आप में देशभक्ति की आग है, आप देश के लिए शहीद होने के लिए तैयार हो तो हम आपकी रक्षा करेंगे, और सेना उनको पेंशन देती थी। अगर उनको कुछ होता था, चोट लगती थी तो देखभाल होती थी, अगर शहीद हो जाते थे तो शहीद का रिस्पेक्ट मिलता था। अब अग्निवीर लागू कर दिया, इसमें कहते हैं देखिए चार लोगों की भर्ती होगी, चार में से तीन को हम निकाल देंगे। वो तीन पता है कौन से निकलेंगे? एसटी एससी ओबीसी, वो निकलेंगे। आप देख लेना, मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं, मैं आंकड़े निकालता हूं। कोविड के समय अग्निवीर से पहले सेना ने 1,50,000 युवाओं को भर्ती का कमिटमेंट दिया, 1,50,000, ठीक है, उनके नाम मेरे पास है। कोविड आता है, उनको कहते हैं देखिए अभी कोविड आया है, आपकी भर्ती अभी नहीं होगी, थोड़ी देर में कर देंगे, ठीक है। तीन साल उनको इधर उधर घुमाया, वो राजनाथ सिंह के पास गए, राजनाथ सिंह जी ने उनको आश्वासन दिया कि कोविड का समय है, थोड़ी देर में आपकी समस्या को हल कर देंगे, मेरे पास चिट्ठी है, देखना चाहते हो मैं दिखा दूंगा आपको, अलंकार वो चिट्ठी निकालो। उसके बाद उनसे कहते हैं देखिए अब अग्निवीर योजना आ गई, अब आपको हम नहीं ले सकते, 1,50,000 हैं युवा, 5-5 साल उन्होंने वर्जिश की, एक्सरसाइज की, रनिंग की, और आपको अग्निवीर में भी नहीं आने देंगे, क्यों, आप ओवर एज हो गए, आप ना इधर के ना उधर के, जाके आप जानो आपका काम जाना जाने, आप यहां से आउट हो जाओ, ठीक है। मैंने लिस्ट निकाली, मैंने कहा देखता हूं भैया ये है कौन, 75% उसमें से ओबीसी, दलित, आदिवासी, और उसमें से गरीब जनरल कास्ट के लोग। अब उनका समय बर्बाद कर दिया और फिर उनको निकाल दिया, उनको ना कोई कॉम्पेंसेशन दी, उनको ना अग्निवीर में जाने दिया, और उनकी क्या गलती थी, उनके दिल में देशभक्ति की आग थी, वो गलती थी उनकी, और वो दलित थे, आदिवासी थे, पिछड़े थे, गरीब जनरल कास्ट के लोग थे, माइनॉरिटी के लोग थे। तो सेना में एक रास्ता था, वो बंद कर दिया। दूसरा रास्ता होता था पब्लिक सेक्टर, ये देखिए चिट्ठी है, देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, ये राजनाथ सिंह जी की चिट्ठी, इसमें साफ लिखा हुआ है, देख लो। तो वो कहते हैं देखिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपकी भर्ती हो जाएगी। 3 साल उनको घुमाया और फिर 1,50,000 है वो। अच्छा ठीक है, अगर 10 लड़के होते, 15 होते, 100 होते, वो अलग बात है भाई, 1,50,000 लड़कों को उन्होंने परे कर दिया। अब क्यों किया मैं बताता हूं आपको, ये